हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू शौर्य और विवेक। मेरा नाम है दिव्या गुप्ता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेकंड वीडियो फॉर क्रैश रिवीजन फॉर एफकैट, या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, जिसमें आपको ये हेल्प करेगा। ये आपको क्विक वन लाइनर्स और फैक्ट्स याद करने में मदद करता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ऑलरेडी पार्ट्स कर चुकी हूँ पॉलिटी के पिछले वीडियो में, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी जाके देख लीजिए इसी चैनल पे। और हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक शौर्य और विवेक को, तो जल्दी से कर लो और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर लीजिए, ताकि आपके लाइब्रेरी में ये सेव हो जाएगा और आप बार बार कभी भी रिविजन इसका कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट हम ऑलरेडी पार्ट्स कर चुके हैं, तो जो पहला पार्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट, जिसके अंदर चार आर्टिकल्स आते हैं। तो आर्टिकल वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पहला आर्टिकल संविधान का, जिसमें जितनी भी हमारी टेरिटरीज है, स्टेट्स है, यूटीज है, उन सबके नाम दिए हुए हैं, कितनी टेरिटरी है, पूरी लिस्ट इसमें है। मतलब जब भी कोई नया स्टेट या यूटी कुछ भी बनता है तो इसमें एंट्री करी जाती है। आर्टिकल टू, आर्टिकल टू से पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि भाई कोई भी नया हम लोग अंदर अक्वायर करते हैं टेरिटरी, जो हम लेते हैं, हम एडमिशन लेते हैं, तो उसको एडमिट करने का कंट्री में इजाजत है, तो पार्लियामेंट ही वो काम करता है और उसको ताकत आर्टिकल टू से मिलती है कि एक नया स्टेट लाने के लिए। और आर्टिकल थ्री इसे हमें मिलती है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है हमारी कंट्री में, उनका इंटरनली जो तोड़फोड़ होता है कंट्री के, जैसे कि बड़ा कर दिया स्टेट, छोटा कर दिया, तोड़ के दो बना दिए, दो जोड़ के एक बना दिया, ये सारा आर्टिकल थ्री से पावर मिलता है पार्लियामेंट को। अभी लद्दाख डिमांड कर रही है, ठीक है, और भी नॉर्थ ईस्ट में डिमांड हो रही है, तो वो इस आर्टिकल, ये दोनों आर्टिकल्स हमारे न्यूज में आ रहे हैं। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए वन, टू एंड थ्री, ये हमें करने ही करने हैं यार। इसके बाद हम अगले यूनिट में आएंगे, सिटीजनशिप, और सेकंड यूनिट है, सॉरी सेकंड पार्ट सिटीजनशिप और थर्ड पार्ट एफआर, मैंने कंबाइन करके लिखा है क्योंकि कुछ आर्टिकल्स कंबाइन आ रहे हैं। तो सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सारे आर्टिकल्स में इंपॉर्टेंट नहीं बता रही हूँ, कुछ कुछ बता रही हूँ। जहां पे लिखा हुआ है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एट बर्थ, जो जो लोग सिटीजन कहलाए जाएंगे एट बर्थ, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ और 1950 के पहले, तो वो आर्टिकल 5। 6 आर्टिकल आपका है उन लोगों के लिए, उन कुछ लोगों के लिए जो माइग्रेट हुए, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, बंटवारे के बाद पाकिस्तान से इंडिया आए और फिर इंडिया में सेटल डाउन होकर सिटीजनशिप के लिए बोला, वो होगा आर्टिकल 6। तो ये आपका आर्टिकल 6 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक आर्टिकल आई थिंक यहाँ पे मिस हो गया है, आर्टिकल 9, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। ये तो आपको करना ही करना है आर्टिकल 9। उसके बाद आपका आर्टिकल 10 आता है, आर्टिकल 10 जो कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स की बात करता है, मतलब जिनको पहले ये राइट्स मिल गए हैं सिटीजनशिप के आर्टिकल 5, 6, 7, 8 से, उनको कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन कंडीशंस पार्लियामेंट उनके ऊपर लगा सकता है, जो भी फ्यूचर में सपोज बोला गया कि इस वजह से आप सिटीजनशिप नहीं कर पाएंगे अगर आपने ये करा ये करा, तो वो सब इनपे अप्लाई हो जाएगा। और आर्टिकल 11 से ही पार्लियामेंट को ताकत मिलती है कि सिटीजनशिप किस तरह आगे फ्यूचर में हासिल करी जाएगी या हटा दी जाएगी, उसके लिए सारे लॉज यही बनाएंगे। और इसी पावर से आर्टिकल 11 से ही पार्लियामेंट ने वो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट बनाया था, जो फिलहाल लेटेस्ट 2019 में अमेंड किया गया, जिसकी वजह से सीएए रायट्स भी हुए थे हमारी कंट्री में, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि जब भी कोई लॉ बनता है साथ में रूल्स रेगुलेशंस भी बनाने पड़ते हैं, जो अभी तक सरकार ने नहीं बनाया, तो अभी ये लागू नहीं किया गया है। तो ये वही कॉन्ट्रोवर्शियल सीएए है और वो आर्टिकल 11 से बना है। तो ये हमारा सिटीजनशिप चैप्टर हुआ और पार्ट भी खत्म हुआ, पार्ट 2। नाउ लेट्स कम टू पार्ट 3, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। उसका सबसे पहले दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 12 जो बात करता है स्टेट की डेफिनेशन की, यार ये स्टेट क्या होता है, तो जो स्टेट वर्ड है ये पूरे फंडामेंटल राइट्स चैप्टर में यूज किया जाता है, इनफैक्ट पूरी पॉलिटी में यूज किया जाता है। तो स्टेट क्या है, इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोकल सरकार, पीएसयू, सारी गवर्नमेंट बॉडीज इसमें आ जाती हैं, क्लियर कट इसका डेफिनेशन दिया गया है।
उसके बाद आर्टिकल 13 जिसमें दिया गया है कि कोई भी आप ऐसा लॉ बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है तो वो खारिज कर दिया जाएगा, मतलब आप फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसके ऊपर भी काफी विवाद उठ चुका है। फाइनली ये हुआ था कि अमेंडमेंट कर सकती है पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। और आर्टिकल 13 से ही हमारे जुडिशरी को पावर मिली है जुडिशियल रिव्यू की। तो अगर आपको एमसीक्यू आता है कि जुडिशियल रिव्यू की पावर कौन से आर्टिकल से आई है, दैट इज आर्टिकल 13। ये क्लियर भाषा में लिखा हुआ नहीं है, बट जुडिशियल रिव्यू यहीं से आया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं गाइस। फंडामेंटल राइट्स तो आपको पता ही है, आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे, इसमें तो आप कुछ चूज कर ही नहीं सकते। सो राइट टू इक्वालिटी, जिसके अंदर पांच राइट्स आते हैं, 14, 15, 16, 17, 18, ये पांचों आपको राइट टू इक्वालिटी के अंदर आते हैं। 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, 15 बात करता है कि आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते इन पांच कंडीशंस पे। ये पांच कंडीशंस पे आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो आपको इसमें यह भी याद रखना है कि पांच कंडीशंस है और आर्टिकल 15। फिर आइए आर्टिकल 16, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, मतलब कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सरकारी नौकरियों के लिए, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो कि सब अप्लाई कर सकें। तो ये 16 एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। फिर आर्टिकल 17, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब हमारी कंट्री में अबॉलिश किया अनटचेबिलिटी को कौन से आर्टिकल में, 17। और आर्टिकल 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब जो भी हेरिडिटरी टाइटल्स होते हैं जैसे कि महाराजा, राय बहादुर, ये सब टाइटल्स कोई यूज नहीं कर सकता क्योंकि अब हम डेमोक्रेसी में आ गए हैं, सारे सिटीजंस इक्वल हैं। और जो अवार्ड्स मिलते हैं जैसे कि पद्मश्री, भारत रत्न, ये जो अवार्ड्स मिलते हैं इनको भी कोई टाइटल्स की तरह यूज नहीं कर सकता है, ये सिर्फ अवार्ड्स हैं। हाँ, लेकिन मिलिट्री टाइटल्स या फिर डॉक्टरेट, जैसे आपकी एजुकेशनल डिग्री, डॉक्टर, प्रोफेसर, जो मिलिट्री के रैंक्स हैं, आपके पुलिस के रैंक्स हैं, वो सब इसमें काउंट नहीं होगा, दे आर नॉट टाइटल्स। बट जो हेरिडिटरी हैं वो टाइटल्स अब अबॉलिश कर दिए गए हैं आर्टिकल 18 से। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट में आएंगे, दैट इज राइट टू फ्रीडम, जो 19, 20, 21, 22 की बात करता है। सारे फंडामेंटल राइट्स भाई इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19, जिसके अंदर छह फंडामेंटल राइट्स आते हैं। सो आर्टिकल 19 जो फ्रीडम की बात करता है, ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, मतलब पहले बोलो फिर कहीं असेंबल, बोलने के लिए कहीं साथ में मिलो, मिलोगे तो कोई ना कोई एसोसिएशन या यूनियन बनाओगे, यूनियन बना के आपको इजाजत है भाई पूरी कंट्री में आराम से आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जब आप कंट्री में घूम रहे हो तो आपको इजाजत है कहीं भी रिजाइड, मतलब कहीं भी रहने की और सेटल डाउन होने की कंट्री के किसी भी पार्ट में। और जब आप कहीं सेटल होते हो तो आप भाई कोई धंधा तो करोगे, कोई नौकरी तो करोगे, तो आप कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी धंधा कर सकते हो। तो ये हमारे आर्टिकल 19 के छह हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 19 में से इनमें से कुछ गलत दे दिया और पूछा कि क्या ये 19 में आता है, इस तरह। तो आर्टिकल 19 फ्रीडम की बात करता है। आर्टिकल 20 हमारी बात करता है कि आपको प्रोटेक्शन मिला जाएगा, मतलब सिटीजंस को प्रोटेक्शन मिलेगा कि कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, मतलब आपने अगर कुछ, आपको अगर कोई मुजरिम करार दिया जा रहा है कोई क्राइम पे या कुछ, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मतलब सही क्राइम के लिए सही सजा मिलनी चाहिए, जितना है उतना ही मिले, आपके साथ कुछ गलत ना हो, वो इसमें आपको प्रोटेक्शन दी गई है। या फिर आप जब भी आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो आपको जो बेसिक राइट्स होते हैं वो आपको मिलने चाहिए। आर्टिकल 21 वेरी फेमस लाइफ, राइट टू लाइफ, जिसको हम बोलते हैं राइट टू लाइफ, तो ये वही वाला है जिसके अंदर आपका राइट टू प्रिवेसी भी आता है और अब राइट टू फॉरगॉटन, राइट टू बी फॉरगॉटन की भी बात हो रही है इसी के अंदर, तो ये वही वाला राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 20 और 21 आपको पता होगा, ये दोनों वही आर्टिकल है जो इमरजेंसी में भी आपसे नहीं छीने जा सकते हैं।
उसके बाद आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब अगर आपको कोई जबरदस्ती का अरेस्ट नहीं कर सकता, 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, और कुछ कुछ कंडीशंस हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन की भी कुछ कुछ कंडीशंस है जो फॉलो करनी चाहिए, जो बेसिकली आपकी इंडिविजुअल लिबर्टी को कम करने से बचाता है। तो ये हुए हमारे राइट टू फ्रीडम 19, 20, 21, 22, ये हमें करने ही करने हैं गाइस। फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, एफडीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। आइए अगला, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें दो ही आर्टिकल आते हैं। तो ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब ह्यूमन बीइंग्स औरतें बच्चों को जो बेचना धंधा करते हैं उनका, वो बिल्कुल ही बैंड है। आप फोर्स लेबर भी नहीं करा सकते, मतलब किसी इंसान को उसकी मर्जी के बिना काम करवाना, या फिर जितना ऑथराइज्ड है उतना पैसा नहीं देना, बॉन्डेड लेबर, ये सब अब हमारी कंट्री में बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 24 में बोला गया है छोटे बच्चे अंडर द एज ऑफ 14, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को हम हजार्डस जगह, हजार्डस मतलब जहां पे उनके शरीर को कहीं ना कहीं से नुकसान हो सकता है, फैक्ट्री, माइंस, जहां पे जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही अनफिट है, वहां पे प्रोहिबिशन बैन कर दिया गया है। हाँ, थोड़ा बहुत बताया है कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बट आपको इतना याद रखना है कि 24 बात कर रहा है चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट, आप एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो दो आर्टिकल्स आगे करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन में आपके आर्टिकल्स आ रहे हैं 25, 26, 27 और 28, चार आर्टिकल्स। मतलब 25 आपको बोल रहा है भाई आपको पूरी इजाजत है, आप जिसको भी मानो, जिस भी रिलीजन को मानो, उसकी प्रैक्टिस करो, उसके बारे में लोगों को बताओ, जो आपको करना है वो करो। 26 ये बोलता है कि जब आप किसी रिलीजन को मानते हो 25 के अकॉर्डिंग, तो उस रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको जो करना है करो, आपने कोई संस्था बनानी है, आपने कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसको प्रमोट करने के लिए, जो भी आपको करना है पूरी आपको खुली छूट है। आर्टिकल 27 कह रहा है कि आपको अलग से गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करने के लिए आपसे टैक्स नहीं लेती है, ठीक है, आपको टैक्स नहीं देना है कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, गवर्नमेंट नहीं देती, वो सबको प्रमोट करती है, और ये पूरा फ्रीडम है हमको कि हमें कोई भी टैक्स नहीं भरना है एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, मतलब हम टैक्स नहीं देंगे कि इस धर्म को या इस रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए। आर्टिकल 28 बात करता है आप फ्री हैं कि आपको कोई भी फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, आर्टिकल 28 भी रिलीजन फ्रीडम की ही बात करता है। सो 25, 26, 27, 28 आपके हुए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद कल्चरल एजुकेशन राइट्स जो आपके सिर्फ दो हैं, आर्टिकल 29 और 30, और 29 माइनॉरिटीज की बात करता है गाइस, माइनॉरिटीज के राइट्स की बात करता है, और आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को बोलता है कि आप अपने हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये कल्चरल, आप अपना कल्चर भी बचाइए और अपना एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाइए, माइनॉरिटीज की बात करी जा रही है दोनों आर्टिकल्स में, 29 और 30। और उसके बाद हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट गाइज, आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तो आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं अपने हक के लिए। और यहीं इसी आर्टिकल में आपके रिट्स के बारे में भी मेंशन्ड होता है, जो पांच रिट्स हैं वो भी इसी आर्टिकल के अंदर आती हैं। और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट करता है, ठीक है, जिसके बाद हमारे टीपीएसपीज आते हैं। यस, देर आर मोर आर्टिकल 33, 34 जो आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है और मार्शल लॉ के बारे में है, तो अगर आप वो भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 33 एंड 34, बट क्योंकि हम यहाँ थोड़ा सा स्पेशल जितना हो सकता है कंसाइज कर रहे हैं, तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दे रही हूँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। DPSPs, Directive State, Directive Principles of State Policy, जो हमारा पार्ट फोर में आता है आफ्टर FR। तो इसमें देखिए सबसे पहला आर्टिकल 36, गाइज दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू आर्टिकल 12, जो हमने स्टेट की डेफिनेशन की बात करी थी, ये एग्जैक्टली वही चीज है, तो वही अंदर का जो डेफिनेशन है एकदम सेम है, 36 एंड 12 आर सेम।
37 जो बोलता है कि डीपीएसपीज आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस, मतलब बहुत ही जरूरी है गवर्नेंस ऑफ द कंट्री के अंदर। 37 में इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ क्योंकि ये वर्ड जो है फंडामेंटल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस वर्ड इज फंडामेंटल राइट्स वाला ही फंडामेंटल, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये उसी के लिए होगा। नहीं, डीपीएसपीज को भी बोला गया है कि गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, और ये चीज 37 में बोली गई है। अब मैं देखो सारे डीपीएसपी तो आपको नहीं बोल सकती हूँ याद करने के लिए, तो जो जो कुछ कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं मैंने वही डाले हैं। आर्टिकल 39 ए जो इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करता है, जिससे हमारा नलसा बन के आया है। आर्टिकल 40 जो विलेज पंचायत की बात करता है, जिससे हमारा पंचायती राज सिस्टम आया है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस की बात करता है कुछ कुछ केसेस में। आर्टिकल 43 वर्कर्स के लिविंग वेजेस की बात करता है। 43 ए बोलता है कि पार्टिसिपेशन प्रॉपर होना चाहिए वर्कर्स का मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में, जिसकी वजह से काफी लेबर लॉज भी अमेंड हुए। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, जो फिलहाल पूरे इंडिया में सिर्फ गोवा में एप्लीकेबल है, और डिमांड और डिबेट चलती रहती है कि भाई पूरी कंट्री में यूसीसी आना चाहिए, और वो यही आर्टिकल है आर्टिकल 44। नेक्स्ट आर्टिकल 45 राइट टू एजुकेशन, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स में आ चुका है, तो जब वो आया 86 अमेंडमेंट से, तभी आपका आर्टिकल 45 भी अमेंड किया गया था, और फिलहाल इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करी गई है 0 to 6 years की। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स जो इसका रिलेटेड है, मैं इसी के साथ लिख रही हूँ, मैंने वहां मेंशन नहीं करा है। 21 ए राइट टू एजुकेशन, जिसमें 86 अमेंडमेंट से आया, और वहीं पे यहाँ पे भी चेंज आया 86 अमेंडमेंट में, यहाँ पे 6 से 14 साल बच्चों के लिए दिया गया है, यहाँ पे 0 to 6। उसके बाद हमारा 46 आर्टिकल जो एससी एसटी और ओबीसी के प्रमोशन की बात करता है कि इनको एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनका दिखना चाहिए। आर्टिकल 47 जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करता है, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये हमारे गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि उनको ये करना चाहिए। आर्टिकल 48, 49, 50, 51 कुछ इम्पोर्टेंट है, मैंने यहाँ पे जो ये एंड के हैं मैंने सारे लिए हैं, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री 48 में, मॉन्यूमेंट्स 49, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव 50, और 51 इंटरनेशनल पीस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है 51 वाला, और ये हमारा लास्ट डीपीएसपी है। इसके बाद हमारा एक आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो आज के डेट में हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और उसका एक सिंगल आर्टिकल है आर्टिकल 51 है। इसमें आपको सिर्फ एक ही आर्टिकल याद करना है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो 42nd अमेंडमेंट से आई गई, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, और पहले जब आई गई थी तब हमारी सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी, और 86 अमेंडमेंट एक्ट जो मैंने आपको अभी बताया, जिससे 21A आया और आर्टिकल 45 में चेंजेस करे, उसने एक और FD यहाँ पे इंक्लूड कर दी एजुकेशन से रिलेटेड, और इसके बाद हमारे FD हो गए 11। तो ये हमारा पहला पार्ट है आर्टिकल्स का, एंड आई नो आपको हैवी लग रहा होगा अगर, लेकिन गाइस मैं जितना हो सकता है इसको कोलैप्स कर रही हूँ, इजी इजी चीजें आप लोग के लिए ला रही हूँ। अभी मेरा एक दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें मैं इसके आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ आर्टिकल्स, ठीक है? तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर लो इसको, एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और इसके बाद जो दूसरा वीडियो आ रहा है उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से आगे कंटिन्यू होने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर द पॉलिटी सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच, जय हिंद।